श्रीदेवी आई है। श्रीदेवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ, मशहूर बॉक्सर देवा नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जूते पड़ेंगे। ऐसे चोरी छुपे अंदर आने की क्या जरूरत है डार्लिंग? ये तुम्हारा अपना ही कमरा है, मैं खुद भी तो तुम्हारी हूँ। आप इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना, बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ। यही नहीं, मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूँ। तुम्हारी कसम श्रीदेवी, लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन। और वो विलेन अमरीश पूरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, बदल गई है श्रीदेवी जी। हो क्या क्या हुआ डार्लिंग? शक्ति डार्लिंग, ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसा है और इसने मेरे साथ। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था। नहीं, ये कमरा नंबर 203 ही है और अब तो 7 जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा। You're so sweet. मुझे जाने दो प्लीज। भाई साहब, मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब साफ होने वाला है। दीदी जरा दरवाजा बंद कर। हॉकी के ग्राउंड में गया थे। अरे ओ बाली साहब, जरा बॉल तो देना यार। आकर खुद ले ले। तुम्हें मालूम नहीं कि हम एनसीसी के स्टूडेंट हैं और हमें हमारे मेजर साहब के सिवा दूसरा कोई हुक्म नहीं दे सकता। अगर हमारे मेजर साहब को मालूम पड़ा कि उनकी गैर हाजिरी में किसी अनजान आदमी ने हमें हुक्म देने की कोशिश की। तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो? बिल्कुल नहीं। आई एम मेजर। कौन सा मेजर? मेजर आई एम लाठी। मेजर सर, सर आपका ये हाथ, सर आपकी मुझे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी पीटर। यस सर। पीटर, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी, लेकिन तुम्हें नहीं दी ना। मुझे छुट्टी मिल गई तो 1000 लड़कों का खाना कौन पकाएगा सर? 1000 लड़कों का खाना आज पीटर नहीं, 1000 लड़कों का खाना ये चीटर बनाएंगे। तुम जा सकते हो। यस सर। लेकिन सर इस सजा की वजह हमारा कसूर क्या है? ओ तो तुम लोग अपना कसूर जानना चाहते हो? जी हाँ। तुम इस इशू का नेशनल इशू बनाना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, बनाओ। अरे बनाओ। सर हमें हमारा कसूर मालूम पड़ गया। हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। हाँ? खाना हम भी पकाएंगे। जी हाँ, वेरी गुड। वो भी 1.5 घंटे के अंदर। और ये मत भूलो कि बाजार से सब्जियां वगैरह भी तुम ही लाओगे। सर आओ। यार तुम लोग कितना भी कोशिश मगर बुढ़ऊ श्रीदेवी के चक्कर में मुझे मुंडवाया गया। देखना 1 महीना तक हाथ मुंह से नीचे नहीं आएगा। न जाने बेचारा कैसे नहाएगा और कैसे धोएगा। आप लोग हट जाइए, बहुत जल्द यहाँ लड़कियों की साइकिल की रेस गुजरने वाली है। लड़कियों की रेस। रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू। आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और देखती जाओ किस तरह एक एक करके तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे सामने से गुजरती है। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो वरना पापा से कहेगी थाने की हवा खिला दूंगी। कौन से थाने में हवलदार है आपके पापा? हवलदार नहीं, कमिश्नर है। कमिश्नर, कमिश्नर हो या गवर्नर, एक बार हम किसी का हाथ थाम ले तो आसानी से नहीं छोड़ते। अरे दोस्तों बोलो कौन सा गाना था वो यारो? पकड़ेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा गरूर जरूर तोड़ेंगे। चलो उठा। अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। हाय, यही तो मुसीबत है जाने मन कि तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या चीज हो। ये लो, आ गई दिव्या। आ गई। क्यों, कौन था वो लड़का? अरे इसकी तो साइकिल भी पंचर है। क्यों? अरे उसी लड़के ने किया होगा। क्यों बेचारे को खामखा तुम लोग तंग कर रहे हो? ऐसे ही साल भर की मेहनत पानी में गई और ऊपर से ट्रॉफी भी गई। पूनम, उस बंदर के बच्चे का तुम एहसान मानो जिसकी वजह से तुम ये रेस जीती हो। और रहा सवाल ट्रॉफी का, वो तो अगले साल में जीत ही जाऊंगी। मगर हाँ, उससे पहले अगर उस कमीने को मैंने जूते नहीं खिलवाए तो उसका अफसोस मुझे जरूर रहेगा। ये जो कहती है ना, करके दिखाती है, यानी कि उस बेचारे की बहन बन जाएगी। छोड़ के दूसरे बैरक में जाना पड़ेगा। इसके साथ रात को सोने में बहुत खतरा है यार। अबे क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने तुझ पर? जादू वादू नहीं, हमारे करण साहब इश्क में पड़े। अरे वो पंगे मास्टर, भूल जाओ उस कयामत को। कमिश्नर की बेटी है, तेरे हाथों में हथकड़ियां लगवा देगी, समझा? खाना तैयार हुआ या नहीं? यस सर। मैं जल्दी जल्दी प्लेट लगा, वरना इसके चक्कर में मर जाएंगे। जल्दी करो, अरे मार डालेगा ये तो किसी दिन। जल्दी जल्दी करो करण। तुम नजर आ रही हो, ये चक्कर क्या? बहुत गलत बातें की, तू पागल हो गया डाले। बस करो, खाना अच्छा बना है। थैंक यू सर। कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर? मसाला कूट कूट के अभी तक हमारे हाथ जल रहे हैं। अभी तो सिर्फ हाथ जले, आगे शायद। मैं समझ गया सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। खाना छोड़कर जाने का मतलब कानून नंबर 30 तोड़ना, उसकी सजा जानते हो तुम? सर आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं रुक सकता। स्टॉप इट। क्या हुआ सर? खाने में क्या मिलाया? ये मिलाया है। इन्हीं चारों ने खाने में कुछ गड़बड़ की है। ये देखिए सर, जुलाब की गोलियां। जुलाब? सर सर हमें हमारी नई सजा तो सुनाते जाइए। नौजवान जल्दी भाग, कैंप अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या कहा? 3 किलोमीटर दूर? जी हाँ, 3 किलोमीटर दूर। अबे 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 अबे, अबे तो हमेशा गड़बड़ करता है यार। मैं और नहीं भाग सकता हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे कोई हेलीकॉप्टर, प्लेन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, तांगा, किसी का इंतजाम करो। कैसे दोस्त हो तुम लोग यार? ए, साइकिल चलेगी। मामला बड़ा रंगीन है। रंगीन नहीं, मामला बड़ा संगीन है। सबकी सब सर पर कफन बांध कर आई हैं। मुझे लगता है ये सब कफन हमारे लिए लाई हैं। अबे कुछ कहना है यार। देवियों, अगर आप हमारा रास्ता छोड़ दे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। आप लोग क्यों बच्चों आज हाथ जोड़ रहे हो? अरे वो कौन सा गाना था? पकड़ेंगे जो हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। आज हाथ नहीं पकड़ोगे? दिल तो बहुत कर रहा है जी, मगर फिलहाल मजबूरी है। कहीं जल्दी से पहुंचना है। कहीं जल्दी जाना है तो जाओ ना। सचमुच जाओ? हाँ जाओ। सचमुच जाओ? जाओ। मुझे मालूम है जाने नहीं देंगे। सचमुच जाओ? What the hell? Hey, mister, ऐसे क्या घूर रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। लड़कियाँ पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है, कोई नया तरीका ढूंढ कर लाओ। सुनिए, कहीं आप कमिश्नर यशपाल साहब की बेटी दिव्या तो नहीं? अरे आप तो मुझे सच में जानते हैं। आपके डैडी और मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट आपकी जिक्र हमेशा हमारे घर में होती रहती है। कितने ताज्जुब की बात है कि इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। एनीवे, माय नेम इज बाली और एनसीसी कैंप पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। अरे दिव्या चल भी, मेजर की डांट खानी है क्या? बाय बाली। सी यू। क्या बात है बाली, बड़े गौर से देख रहा है। बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन ये साले सर से पांव तक कयामत है कयामत। अब इस दिल को तब चैन मिलेगा जब ये इस दिल की रानी बन जाएगी। अबे ओ पंगे मास्टर, इतना सब होने के बावजूद भी तुझे चैन नहीं है जो तू बंसवर के वहां फेंकने जा रहा है। ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते मेरे दोस्त। और वो लड़की क्या समझती है कि उसके उतारने से मेरे मोहब्बत का भूत उतर जाएगा? भूत तो ठीक है गुरु, मगर कहीं रास्ते में वो जीन मिल गया तो? अरे तुम लोग उससे क्यों डरते हो यार? या तो वो सोया हुआ होगा या श्रीदेवी के ख्यालों में खोया हुआ होगा। डरते क्यों हो यार, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। मैंने बुड्ढा घुसर कहीं नहीं देखा। इतनी रात को मेरे बच्चे धजकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं सर, बस ऐसे ही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या गुल खिलाते हैं और मुझे किस नाम से बुलाते हैं। बुड्ढा घुसर। नहीं सर होता है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम्हारा मेजर आई एम लाठी इतनी रात को ठंड में अपने कमरे में बैठा हुआ किसी के ख्यालों में खोया होगा या फिर सोया होगा। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं। नौजवानी में मैं भी कोई खास शरीफ नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत शरारतें किया करता था। कैंप से बदमाशी करने के लिए रात को छुप छुप कर मैं भी भागा करता था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह पकड़ा नहीं जाता था। सर आपका मेजर आपकी तरह स्मार्ट नहीं होगा सर। वो तो है, प्लस मेरी तरह सख्त भी नहीं था। तुम लोगों ने कैंप के कायदे प्लस कानून तोड़े बिना नतीजा सोचे समझे। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना? जी सर। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, है ना? जी सर। अब ऐसे में अगर किसी को इस खुले मैदान में सोना पड़ जाए, वो भी बिना कपड़ों के, तो कितना मजा आए, है ना? खासकर अगर उसके पास न कंबल हो, न तकिया हो, न पेंट हो, न शर्ट हो, न ये मोटे मोटे ट्रैक सूट हो, बिल्कुल वैसी जैसे बच्चा पैदा होने के वक्त होता है ना। क्या हुआ मेरे लाल? सर आपकी बातें सुन के से ठंडी चढ़ रही है। ना ना मेरे बच्चे, इतनी जल्दी ठंडी चढ़ जाएगी तो ये पूरी रात कैसे बीतेगी? सर हाँ मेरा दोस्त मर जाएगा सर। नहीं नहीं अभी नहीं मरेगा, लेकिन सुबह तक जरूर मर जाएगा। तो मैं तुम लोगों के मरने का मेरा मतलब तुम लोगों के सोने का इंतजाम कर कर आता हूँ। तब तक तुम चारों अपने ये कपड़े उतारो और जमीन पर लेट जाओ। अबे कुछ कटे यार। जमीन तो क्या, अगर आप हमें बर्फ किसी पर लेटा देना हम उस पर हंसते हंसते लेट जाएंगे, मगर आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर हम आपके स्टूडेंट हैं सर, हमारा खून खोलता है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है? पास वाले गर्ल्स हॉस्टल की प्रिंसिपल। वो भला मेरी इज्जत क्यों लूटेगी? मेरी तरह उससे हेलो है ना हाय है, ना जान है, ना पहचान है, ना दुआ है, ना सलाम है। मगर हमारे पास उसका पैगाम है। क्या सबूत? राजा सुना दे टेप रिकॉर्डर। मुझसे तो सुना नहीं जाएगा। कौन है वो बुढ़ा खड़ूस मिलिट्री के ऑफिसर का बच्चा? आई एम लाठी। मेरा बस चले तो मैं उसके बंदूक लेकर उसी के सीने में गोली मार दूं। जब देखो तब कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। जब भी मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक मार्च, कमीना कुत्ता हरामी उसकी माँ। बंद करो ये टेप। खराबा तो अब होगा। बोला भी ये सबूत है उसकी बेइज्जती का। मैं इस औरत को गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर के चक्कर कटवाऊंगा। कल सुबह क्यों सर? अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजुर्बेकार रात को औरत से झगड़े में कभी नहीं जीत सकता। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, प्लस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब देखना सुबह होती है तो क्या होता है।